अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी बहन बोलिए। जी जी, खैरियत जी अल्लाह का शुक्र है, बताइए आप। जी? मैं तबस्सुम बात कर रही हूँ यहाँ से, हुसैनी आलम से। हाँ, अच्छा, जी बताइए क्या थोड़ा परेशानी है। मेरे को क्या परेशानी थी बाबा। मेरी शादी हो के 11 साल हो रहा है बाबा। जी हाँ, मेरे को 2 बच्चे हैं। जी हाँ, तो मेरे हस्बैंड मेरे को छोड़ देते बोल रहे बाबा, नहीं रे तो नहीं अच्छा करता हूँ बोल रहे ना। अच्छा क्या हाँ, नाम है उनका मेरे हस्बैंड का नाम समीर जी? क्या है। काम करते हैं वो? उन्होंने चने का काम करते हैं। अच्छा, चना तो आप क्या मारते हैं। चाहते हो, आप मुझे मैं बताओ। मेरे हस्बैंड के साथ में रहना चाह रही हूँ। उन्होंने उनके बहनों के उनके चक्कर में आके उन्होंने मेरे को छोड़ देते कर देते बोल रहे बाबा। मैं इनके बिना नहीं रह हाँ सकती बाबा। उन्होंने मेरे को होना, मेरे को किस भी हाल में, मेरे बच्चों को ले लिए। 15 दिन से मेरे बच्चे मेरे साथ में नहीं है बाबा। ठीक है बेटी, आप परेशान मत होइए, इत्मीनान रखें, इंशाल्लाह देखो हो जाएगा, समझे। इसमें हाँ उनका वशीकरण करना होगा, मोहिनी वशीकरण, और इसमें 2 से 3 घंटे का एक अमल किया जाएगा, अमल अमलियात के जरिए उनके दिल और दिमाग को पलटना होगा, समझे। हाँ, और इंशाल्लाह वो पूरी तरीके से आपके मातहत हो जाएंगे, आपका इज्जत करेंगे, आपसे मोहब्बत करेंगे, न कभी आपसे लड़ेंगे न झगड़ेंगे, हमेशा तुमको अपनी नजरों के सामने रखेंगे, कभी तुमको अपने आप से ना तो अलग होने देंगे ना दूर होने देंगे, और जैसा तुम कहोगी वैसा करेंगे, तुम्हारे सिवा ना किसी की बात को मानेंगे ना सुनेंगे, समझे, और जी, अच्छा, हमेशा तुमको अपने सीने से लगा के रखेंगे जी। तो इसमें थोड़ा खर्चा आएगा मेरी बहन, आप खर्चा कर सकते हो ये बताओ पहले मुझे। हाँ, तकरीबन कितना आएगा मामा खर्चा? 7,300 रुपया लगेगा इसमें, और इंशाल्लाह 2 घंटे के अंदर अंदर वो खुद ही तुम्हें कॉल करेंगे, तुमसे गलती मानेंगे, तुमसे माफी मांगेंगे, और जैसा भी तुम कहोगी इंशाल्लाह वैसा करेंगे अच्छा जी। मुझे उनका एक फोटो चाहिए, उनका नाम चाहिए, माँ बाप का नाम चाहिए, आपका एक फोटो चाहिए, आपका नाम चाहिए, आपके माँ बाप का नाम चाहिए जी, पैसे में जी। लगा देती हूँ बाबा। ये नहीं हुआ इलाज, नहीं हुआ तो क्या नहीं करना मेरी बहन, बाबा? देखो मेरी बात सुनिए, मैं आपको अपना सीना चीर के नहीं दिखा सकता, लेकिन इंशाल्लाह ताला से आपका काम छाती ठोक के कर सकता हूँ। 2 घंटे में अगर तुम्हें रिजल्ट नहीं मिला, 2 घंटे में उन्होंने तुमको बात नहीं किया, तुमसे गलती जो उन्होंने गुस्ताखी किया है उसका गलती नहीं माना, तो मेरी बहन मैं आपका 3रा घंटा में आपके पैसे वापस कर दूंगा, इतने दावे से और इतने चैलेंज के साथ मैं काम करता हूँ, पहली बार आपका काम नहीं कर रहा हूँ मैं, समझे। और इंशाल्लाह एक बार इसको कराइए, देखो कराओगे तभी होगा, मैं आपको क्या बताऊं, मुंह से मैं आपको क्या बताऊं, बड़ा बोल खुदा का होता है, मैं बड़े बोल से तोबा करता है, लेकिन 2 घंटे में तुम्हें वो करके दिखा दूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, तो ये आप कोसा एक दिन इलाज जी, करते बाबा आप? इसको बोलते हैं मेरी बहन वशीकरण करना होगा, समझे, उनका वशीकरण होगा आपके नाम से, तो ये समझे। मुसलमानों का है बाबा? इसमें क्या बुराई है, नहीं, ये इसमें मुसलमान। कोई वशीकरण, इसको हिंदी में वशीकरण बोलते हैं, उर्दू में मातहत बोलते हैं, हाँ, तेलुगु में क्या बोलते हैं बात बाबा? एक ही है। तेलुगु का भाषा मुझे नहीं आता है तो मैं आपको कैसे बता दूंगा, अच्छा, हर भाषा में इसको ज्यादातर तेलुगु हो कन्नड़ा हो सब में वशीकरण ही बोला जाता है, ये हिंदी का शुद्ध लकब है, तो आप समझे। पहले और इलाज करते बाबा, ने पहले पैसे पूछते आप? बेटे ईंट पत्थरों से थोड़ी कर दूंगा मैं आपके काम को, ये बताओ आप मुझे, ईंट पत्थरों से थोड़ी मैं आपके काम को कर दूंगा, इसमें सामान लगेगा मेरी बहन, आपको बताया ना जिन्नातों मोक्किलातों के जरिए काम होता है, किसी को पता नहीं चलेगा काम के बारे में, आपके और मेरे दरमियान ये बात रहेगी, और आपको उन्हें कोई भी चीज खाने पीने को, गाड़ने को, दफनाने को, या उनके शरीर पे बांधने को कुछ आपको नहीं देना पड़ेगा, समझे। इत्मीनान रखो, भरोसा बाबा, रखो, आपका एड्रेस कहाँ है बाबा? आप कहाँ आप रहते हैं? कहाँ से बोल रहे हो मुझे ये बताओ। मैं हुसैनी आलम से बात कर रही हूँ, मैं चार मीनार से बात कर रहा हूँ, मैं चांद हैदराबाद से, मीनार पे। कहाँ पर बाबा? चार मीनार हैदराबाद, चांद मीनार हैदराबाद या बिल्कुल हैदर? आप, हाँ बिल्कुल खास, चार मीनार से, नहीं, चांद मीनार के उनका, चांद मीनार पे चार रख के चार आते हैं ना मीनार की जो बाबा। इमारत है, चार मीनार की जो इमारत है वहां के मुझे कॉल करना पड़ता है, समझे, वहीं अपोजिट में जो उसकी मस्जिद है एक अच्छा, जी। बाकी आप परेशान ना हो, आपको कहीं भी आने जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा मेरी बहन, समझे। तो हाँ इंशाल्लाह आप घर अब तक बैठे कितनों आपका को काम हो बेवकूफ जाएगा। बनाए बाबा? मैं हाँ, कितनों को बेवकूफ बहुतों को बनाया? बना दिया मैंने, आप जैसे बहुत बेवकूफ मिलते हैं मुझे। हाँ, तो हाँ आपको आपका उम्र का लिहाज करें, आपको जरी शर्म है या कुछ भी नहीं आता जो लोगों को नहीं, बेवकूफ हमें बनाएंगे? नहीं आता लोगों का कुछ भी घर हम ऐसा, बर्बाद करने, ना 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 लोगों ना को लूट ना, के खाने? बिल्कुल बिल्कुल हमारा पेशा ही है,
पेशा ये है। हलाल हाँ खाना बिल्कुल सीखो ना मेरे बाबा, को। हराम खाना कब तक सीखेंगे आप? ना 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 ना, खुदा के नाम जब से, तक खुदा तुम के जैसी नाम से बोल के बेवकूफ आने, आप जब जैसे तक तुम लोग। जैसी बेवकूफ और नालायक औरतें मिलती रहेंगी जो अपने आदमियों को अपने मुट्ठी में करना चाहती हो, हमारा काम चलता रहेगा। तुम जैसे बेवकूफ जो मादर लूट के की भैन बच्ची, की समझे, रोड़े, सुन कुत्ते की भैन की बच्ची। रोड़े तेरी।